अगर हम सबसे पॉपुलर गेमिंग लैपटॉप की बात करें तो सबसे पहले हमें Asus का ख्याल आता है, बिकॉज यही सबसे ज्यादा रिलायबल कंपनी है जहाँ पे गेमिंग लैपटॉप में हमें बहुत सारे अलग अलग सीरीज देखने को मिलती है, जैसे कि Asus Zephyrus सीरीज, टर्फ सीरीज और स्कार सीरीज, और यहाँ तक कि गेमिंग नोटबुक भी Asus बनाता है। अब यहाँ पे देखा जाए तो हर साल हमें इन सारी सीरीज में अपग्रेड देखने को मिल जाता है, जहाँ पे इस साल भी Asus की ऑलमोस्ट सारी गेमिंग सीरीज में हमें नए लैपटॉप मिलने वाले। अब देखा जाए तो ये सारे नए लैपटॉप CES 2020 के इवेंट में Asus ने ऑफिशियली रिवील कर दिए थे, जहाँ पे आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सारे लैपटॉप्स की बात करने वाले। तो वीडियो को शुरू करते हैं उस लैपटॉप से जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं, मेरा मतलब Asus का Zephyrus Duo 15 और G14। जहाँ पे Zephyrus Duo 15 की बात करें तो एक्चुअली ये Asus का फर्स्ट गेमिंग लैपटॉप है जिसमें हमें डुअल स्क्रीन का सपोर्ट मिल जाता है। अगर आप Asus के लैपटॉप के सीरीज़ को अच्छे से फॉलो करते होंगे तो आपको ये भी पता होगा कि Asus ने पहले भी इस डुअल स्क्रीन वाले कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट किया था, जो कि हमें Asus ZenBook Pro और ZenBook Duo जैसे लैपटॉप में देखने को मिला था। लेकिन पहले के डुअल स्क्रीन वाले लैपटॉप में कुछ कमियाँ थी जो कि नए Zephyrus Duo ने खत्म कर दी। जहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट फीचर्स की बात करें तो वो है सेकेंडरी डिस्प्ले। मेरा मतलब Zephyrus Duo के सेकेंडरी डिस्प्ले में हमें 13 डिग्री का एज लिफ्ट मिल जाता है, जो कि लैपटॉप के लिड को ओपन करते ही ऑटोमेटिकली इंक्लाइन होता है। अब देखा जाए तो यही इस लैपटॉप का सबसे मेजर अपग्रेड है। इसी के साथ मेन डिस्प्ले की बात करें तो हमें यहाँ पे दो वेरिएंट मिल जाते हैं 4K और 1080p में, जहाँ पे दोनों ही डिस्प्ले में हमें 300 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट का सपोर्ट दिया है। लेकिन अगर सेकेंडरी डिस्प्ले की बात करें तो वो दोनों ही वेरिएंट में सेम कॉन्फ़िगरेशन के साथ आता है, जहाँ पे 14.1 इंचेस की 4K टच स्क्रीन हमें मिल जाती है। अब फाइनली परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें हमें इंटेल के नए 10th जनरेशन H सीरीज वाला CPU और NVIDIA के सुपर सीरीज वाले GPU देखने को मिलते हैं। अगर आपको इन नए CPU और GPU के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैंने उन पे भी डिटेल वीडियो बनाई है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। बात करें Zephyrus Duo 15 के CPU की तो हमें यहाँ पे i9 और i7 10th जनरेशन वाले CPU मिल जाते हैं, जहाँ पे इन CPU में हमें 8 कोर और 16 थ्रेड का आर्किटेक्चर मिलता है। GPU की बात करें तो i9 वाले वेरिएंट में हमें NVIDIA का लेटेस्ट RTX सीरीज का 2080 सुपर और i7 वाले में RTX 2070 सुपर मिल जाता है। इसी के साथ 16GB की RAM और 1TB की SSD स्टोरेज हमें मिल जाती है, जहाँ पे इन स्टोरेज को हम इजीली एक्सपांड कर सकते हैं। तो ये पूरा कंप्लीट पैकेज है Zephyrus Duo 15 का, जहाँ पे अगर सारी चीजें कंट्रोल में रही तो ये लैपटॉप हमें जून के महीने तक देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ अगले लैपटॉप की बात करें तो ये भी हमें Zephyrus सीरीज की तरफ से ही मिलता है, जो कि है जी सीरीज का G14। अब देखा जाए तो ये इस लिस्ट का सबसे इंटरेस्टिंग लैपटॉप है, बिकॉज इस लैपटॉप ने कमर्शियली अवेलेबल होने से पहले ही बहुत सारे अचीवमेंट को हासिल किया, जैसे कि फास्टेस्ट AMD लैपटॉप, मोस्ट पोर्टेबल गेमिंग लैपटॉप या फिर बेस्ट बैटरी परफॉर्मेंस लैपटॉप। अब फास्टेस्ट AMD लैपटॉप इसलिए बिकॉज इसमें हमें AMD का लेटेस्ट 4000H सीरीज का Ryzen 9 CPU मिल जाता है। अब इस CPU को अगर मैं कम शब्दों में एक्सप्लेन करूँ तो कम प्राइस में हमें इंटेल i9 के मैक्स वेरिएंट जितनी परफॉर्मेंस मिलती है, बिकॉज AMD Ryzen 9 एक्चुअली 8 कोर और 16 थ्रेड के साथ आता है, जो कि 3GHz की बेस फ्रीक्वेंसी हमें देगा और ये आगे और बूस्ट होकर 4.4GHz तक चली जाती है। लेकिन ये सब काफी नहीं है, इनफैक्ट इस CPU को जो चीज सबसे खास बनाती है वो है इसका इंटीग्रेटेड ग्राफिक। मेरा मतलब बिना GPU के भी ये CPU हमें काफी अच्छी परफॉर्मेंस देता है, जो कि डायरेक्ट इंटेल i9 से कंपेरेबल है। अब ये तो हुआ CPU। इसी के साथ GPU की बात करें तो इसमें भी हमें NVIDIA का RTX 2060 सुपर GPU मिलता है, जो कि मैक्स क्यू डिजाइन पर बेस्ड है, और मेमोरी की बात करें तो 16GB की RAM और 1TB की SSD हमें मिल जाती है। अब जैसे ये सबसे पोर्टेबल गेमिंग लैपटॉप है तो इसका सारा क्रेडिट इसके CPU, बिल्ड क्वालिटी और डिस्प्ले को जाता है, जहाँ पे Zephyrus G14 में हमें 14 इंच का डिस्प्ले मिलता है। अब यहाँ पे भी स्क्रीन क्वालिटी की बात करें तो हमें फिर से 4K और 1080p के दो वेरिएंट मिल जाते हैं, जहाँ पे 4K में हमें 60Hz और 1080p वाले में हमें 120Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। तो यही ओवरऑल पैकेज हमें Zephyrus G14 में मिल जाता है। जहाँ पे देखा जाए तो इस लैपटॉप के बहुत सारे वेरिएंट हमें मिलने वाले हैं। तो बढ़ते हैं हमारे अगले लैपटॉप की तरफ, जो कि स्ट्रिक्स सीरीज का है, जो कि है Asus स्ट्रिक्स G15। अब स्ट्रिक्स सीरीज की बात करें तो ये फेमस है नॉन कॉम्प्रोमाइज परफॉर्मेंस और इसके RGB कलर स्पेक्ट्रम से। मेरा मतलब अगर आपने पिछले साल के स्ट्रिक्स लैपटॉप देखे होंगे तो उसमें कीबोर्ड और नीचे के बॉर्डर बेस पोर्शन में काफी अट्रैक्टिव RGB लाइट ग्लो करती थी, जो कि देखने में काफी अट्रैक्टिव और मॉडर्न थी, और इसी चीज को Asus ने इस साल भी कंटिन्यू रखा है, जहाँ पे इस बार लिड के बॉर्डर पे भी हमें ग्लोइंग RGB लाइट देखने को मिलेगी, जिसे Asus ने इलेक्ट्रोपंक का नाम दिया है, जो कि बेसिकली इस ग्लोइंग लाइट की कलर स्कीम है। अब देखा जाए तो लैपटॉप का डिजाइन और लाइटिंग काफी सब्जेक्टिव चीज है, जो कि पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है, लेकिन जो बात इसे खास बनाती
आती है वो है इसका हार्डवेयर। मेरा मतलब इसमें हमें इंटेल का लेटेस्ट i9 10th जनरेशन का सीपीयू मिल जाता है, जहाँ पे एनवीडिया का RTX 2080 सुपर का जीपीयू इस लैपटॉप में दिया गया है। स्टोरेज की बात करें तो इसमें हमें 16GB की रैम और 1TB की SSD मिल जाती है। एक्चुअली ये स्टोरेज हमें बेस वेरियंट में मिलती है, जहाँ पे सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो रैम है उसको हम 32GB तक अपग्रेड कर सकते हैं। और SSD की बात करें तो यहाँ पे हमें 3 स्लॉट मिल जाते हैं, जहाँ पे तीनों ही स्लॉट में हमें 1TB की कैपेसिटी दी गई है, जो कि काफी अच्छी बात है। इसी के साथ डिस्प्ले की बात करें तो हमें यहाँ पे 15.6 इंचेस की फुल HD 1080p वाली डिस्प्ले मिल जाती है, जिसमें 300Hz का रिफ्रेश रेट का सपोर्ट दिया गया है। तो देखा जाए तो यही पूरा कम्प्लीट पैकेज है Acer Strix G15 का, जहाँ पे इस लैपटॉप के भी बहुत सारे वेरियंट हमें मिलने वाले। वेल, बढ़ते हमारे लिस्ट के लास्ट लैपटॉप की तरफ, जो कि टफ सीरीज से आता है। अब देखा जाए तो टफ सीरीज जानी जाती है अपने सॉलिड बिल्ड क्वालिटी और कम प्राइस के लिए, जहाँ पे परफॉर्मेंस में हमें कोई कॉम्प्रोमाइज देखने को तो नहीं मिलता। पिछले साल की बात करें तो हमें टफ की FX सीरीज से बहुत अच्छे लैपटॉप देखने को मिले थे, लेकिन 2020 में FX सीरीज को टफ की A सीरीज रिप्लेस करने वाली है, जहाँ पे हमें इस साल टफ A15 और टफ A17 लैपटॉप देखने को मिल जाएंगे। अब इन दोनों ही वेरियंट में हमें 1080p का डिस्प्ले और 144Hz का रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिलने वाला है। जहाँ पे परफॉर्मेंस की बात करें तो हमें यहाँ पे AMD Ryzen का लेटेस्ट 4000H सीरीज का Ryzen 7 CPU मिलने वाला है, और इसी के साथ NVIDIA RTX 2060 सुपर का GPU मिलेगा। स्टोरेज की बात करें तो हमें यहाँ पे दो वेरिएंट देखने को मिलेंगे 16GB और 32GB RAM के साथ, जहाँ पे दोनों ही वेरिएंट में हमें 1TB तक की SSD मिल जाएगी। तो देखा जाए तो ये पूरा पैकेज है टफ A15 का, जहाँ पे अगर हम अपग्रेड की बात करें तो डिजाइन में बहुत बड़ा अपग्रेड देखने को मिलता है, बिकॉज जो नया डिजाइन है वो एक्चुअली काफी ज्यादा प्रीमियम और सॉलिड है एज कम्पेयर टू पुराने वाले वेरियंट से। इसी के साथ हमें यहाँ पे हार्डवेयर में भी अपग्रेड मिलता है, जहाँ पे पिछले साल हमें दोनों इंटेल और राइजन के वेरिएंट मिले थे, लेकिन इस साल ऐसा लग रहा है कि टफ के सारे सीरीज में हमें सिर्फ AMD राइजन का ही सीपीयू देखने को मिलेगा, जो कि काफी अच्छी बात है, बिकॉज इससे ओवरऑल लैपटॉप की कॉस्ट बहुत कम रहेगी। तो यही सारे लैपटॉप थे जो कि इस साल Acer की तरफ से हमें देखने को मिलने वाले। अब देखा जाए तो इनके अलावा भी बहुत सारे गेमिंग लैपटॉप Acer लॉन्च करने वाली है, लेकिन उनमें इतने ज़्यादा अपग्रेड हमें नहीं मिलते। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स में मुझे बताना कि आप कौन से लैपटॉप के लिए वेट कर रहे हो। इसी के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में।